कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज भगवान बिरसा का जन्मस्थली खूंटी जिला अंगरतत विहातु से शुरू की गई। पदयात्रा के आरंभ के पूर्व भगवान बिरसा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाज से नफरत खत्म हो, समाज में भाईचारा कायम रहे और सभी जाति धर्म के लोग एक सूत्र में बंध कर देश के विकास में योगदान दे या अपील की गई। वहां से पदयात्रा चल करके किताहातु पहुंची, जो विहातु से 12 किमी की दूरी पर है। इसके उपरांत किताहातु मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां जिला कांग्रेस कमेटी और स्थानीय लोगों के द्वारा पारंपरिक ढंग से ढोल बाजा और नृत्य के साथ पदयात्रियों का स्वागत किया गया। हम लोगों ने आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से यात्रा की शुरुआत कर तमाम गांवों के लोग के साथ संवाद करके यहां तक पहुंचे हैं और पूरे राज्य में इस तरह की यात्रा आयोजित की जाएगी। जहां भी हमारे महापुरुष हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जन्मस्थली से लेकर के समाधि स्थल तक हम लोग लगातार पदयात्रा करेंगे और हम समझते हैं कि फरवरी तक आदरणीय राहुल गांधी जी को यात्रा करना और इस बीच में हम लोग ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि जिस सोच के साथ हमने देश बनाया था, जो मोहब्बत के साथ बनाया था, वो कहीं ना कहीं नफरत में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उसको तोड़ करके और जो बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इन तमाम मुद्दों पर लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं, आदरणीय सोनिया गांधी चाहते हैं, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी चाहते हैं कि तमाम गाँव के लोग, पंचायत के लोग, प्रखंड के लोग एक साथ जुड़े और जो नफरत फैली हुई है समाज में, उसको मोहब्बत में बदलने का काम करें। एक सूत्र में जो पूरे भारत को बांधने के निकले हैं हम लोग, निश्चित रूप से उसमें कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जनसैलाब चल रहा है और जो आज की यात्रा में जिस स्फूर्ति के साथ लोगों ने साथ दिया है, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये इस यात्रा को और ज़्यादा समर्थन मिलेगा और लोग जो त्रस्त हैं केंद्र की सरकार से, वो कहीं ना कहीं और साथ बढ़ते जाएंगे और जो हम लोगों ने नारा दिया है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उसमें हम कामयाब। सर, भारत जोड़ो यात्रा लोगों के शरीर में जान फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग कहीं ना कहीं से पीड़ित हैं, त्रस्त हैं इस सरकार से, उनमें जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से नफरत फैला करके कहीं ना कहीं देश को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम लोग और जो तमाम संवैधानिक संस्था हैं गुलामों की तरह व्यवहार कर रही है, उसको स्वतंत्र करने के लिए हम लोग पदयात्रा। देखिए, आज हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के समर्थन में, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, उस समर्थन में हम लोग उप यात्रा कर रहे हैं। आदरणीय सुबोध कांत साहा जी, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उसी के समर्थन में झारखंड प्रदेश में आदरणीय सुबोध कांत जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे आज हम लोग यहाँ पर प्रथम चरण में शुरुआत किए हैं। और आपने देखा होगा, हम लोग करीब 13 किलोमीटर उलिहातु से चल कर यहाँ पर हम लोग आए हैं और लोगों का जो जनसैलाब जगह जगह में जो लोग जुड़ रहे हैं, पूरा ये यात्रा इसमें आने वाले दिन में इसका सफलता, इसको सफलता ही कहा जाएगा और लोग इसका मतलब समझ रहे हैं और लोगों को हम लोग समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का मामला है, छात्र नौजवानों का मामला है, यहाँ पर आदिवासियों का जमीन जायदाद संबंधी मामला है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का जमीन वगैरह के में लोग करने का काम, उद्योगपतियों को देने का काम करे, ये सब चीज़ों को बता रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत। उनको लगता है कि लोग इसको समझेंगे और आने वाले दिन में लगातार पूरे प्रदेश में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।